बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सच्चिदानंद धाम धनी की। प्राणाधार धाम धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, ये गुजरात की पावन धर्म धरा, जिस अखंड के ज्ञान को श्रवण करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ से मनुष्य जाति तो क्या, देवी देवता तो क्या, ऋषि मणि तो क्या, पीर पैगंबर अवतार से परे त्रिगुणात्मक तीनों देवता और स्वयं इस संपूर्ण चौदलोक ब्रह्मांड के स्वामी नारायण ये भी तरसते रहे, जिनके हृदय कमल से अखंड ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, उनके लिए लालदास जी महाराज बीतक में लिखते हैं, ए बदाई ब्रह्मांड ने त्रिगुण समेत विस्तार। आप बीतक का श्रवण करते होंगे, घर में सावन के महीने में पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के देख लीजिए, शुरुआत में ही जहां उनके जन्म का उत्सव का आता है उसमें लिखा है, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, जो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव और नारायण भी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी अखंड का ज्ञान इस संसार में अवतरण होगा, जिस ज्ञान के श्रवण करने मात्र से हम भव सागर से पार हो जाएंगे, यानी हम उस ब्रह्म तत्व को परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, जिसको हम अपनी वाणी की भाषा में सुंदर साथ कहते हैं, पुकारते हैं, हम उस तत्व को जान जाएंगे जिसके लिए कहा था, अभावीणो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण। अनहोनी बात इस सृष्टि के अंदर हुई है कलियुग में, वो अनहोनी बात कौन सी थी? ब्रह्मनी इस संसार में प्रकट होंगे कब? उत्पन्न एक कलो युगे, कलयुग के अंदर प्रकट होंगे। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरेगा पारा। जिस परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत तपस्या की, बहुत दुख सहन किया, बहुत कष्ट सहन किया, परंतु बिना संबंध न पाइए कोटिन करे आचार। आचार मतलब आचरण, धर्माचरण किया, सत्य का आचरण किया, लेकिन नहीं जान सके। इस संबंध में तारतम वाणी में महामती जी ने एक चौपाई कही है, बहुत अच्छी चौपाई है, बहुत प्यारी चौपाई है, आप पढ़ते हैं, जरा सुनते हैं। किन एक बूंद न पाया रसना भी बचन, ब्रह्मांड धनिये देखिया जो कहावे त्रिगुण, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। ब्रह्मांड के धनी तीनों देवताओं को क्यों नहीं मिली? क्योंकि वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, इस संसार से परे की वाणी है, और ये संसार से परे की वाणी कौन कहेगा जो इस संसार से परे का होगा? इसलिए वो इस संसार से परे का जो था, वो इस कलयुग के अंदर महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के आपके पड़ोसी हफ्से के जेल में 6 महीने तक विरह में तड़प तड़प करके धामधनी को अपने धाम हृदय में बसाने के पश्चात महामती के हृदय से प्रकट हुई, और ये वाणी किसने कही?
न कहवाए माया माहे आवाणी, पण साथ माटे कहवाणी। और कही किसने? हृदय बैठे कहलाए साक्षात। ये इंद्रावती जी नहीं कह रही है, सुंदरबाई श्यामा जी नहीं कह रही है। यदि सुंदरबाई श्यामा जी कहती होती तो विक्रम संवत 1638 में तो उनका जन्म हुआ, 40 वर्षों तक खोजती रही नहीं कह पाई, पहले ही कह देती। लेकिन जब उनके धाम हृदय में परब्रह्म अक्षरातीत निवास करते हैं, और उनको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और उनके अंदर से ये वाणी प्रकट होती है, इस वाणी की इंतजार में तीनों देवता भी इंतजार कर रहे हैं। और सतयुग से लेकर के आज तक ब्रह्मांड के बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने, सत्यवादियों ने तप की। उनको ये पता चला, मैंने एक श्लोक आपको सुनाया था, अभावेण भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण। ये अखंड का ज्ञान इस संसार में प्रकट होगा। जिस ज्ञान को सुनने के बाद इसका फल स्वरूप क्या होगा? जीव सृष्टि समुद्र, संसार के सभी जीव, देवी देवता तक इस संसार से परे उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद को जान जाएंगे और उनका उद्धार होगा। सच्चिदानंद धाम धनिकी, उस ज्ञान के इस धर्म धरा पर प्रकट हुआ। और एक दो दो चार आठ दस बीस सौ पचास करते हजारों लाखों तक ये ब्रह्मवाणी गूंजती गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले श्यामा जी को मिली। मिली कि नहीं मिली? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में ये धाम धनी निवास किए और उनके अंदर से मौखिक रूप से तारतम वाणी प्रकट हुई। उस समय किताब न थी हती। विक्रम संवत 1712 पर्यंत उन्होंने अंदर राज्य बैठ करके उसको चर्चा सुनाते रहे सुंदर सात को। सुंदर सात की जागनी होती रही। उसके बाद सुंदर सात फिर ये सोचने लगे कि अब धाम धनी तो परम धाम सिधार गए और हम अकेले के अकेले संसार में रह गए। अब उनके पास ये प्रमाण नहीं था कि राज्य तुम्हारे साथ हैं। अब तो सब कोई कह देते हैं, चौपाई बोल देते हैं, बहुत प्रेम से बोलते नहीं बोलते, कहते हैं कि राज्य हमारे साथ हैं। सवेरे सवेरे उठ करके मंदिर में राज्य के सामने दोनों हाथ जोड़ करके पग लग करके कहते हैं, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। अरे बोल दीजिए, चौपाई याद है सबको। नजर से नकाड़ी मुझे अब्बल से आज दिन, परमधाम से लेकर के आज पर्यंत अभी ये वर्तमान समय तक, हे धाम धनी, आपने मुझे अपने चरणों से कभी एक पल के लिए भी कभी जुदा किया नहीं। और यहां आकर के भी उन्होंने अखंड की सुध दी। इसका तात्पर्य क्या है कि राज्य कभी हमसे एक पल दूर हो सकते नहीं। और ये मैंने कह रहा हूं, तारतम वाणी कह रही है। जो पहचान होवे वाको तो सहे न बिछुआ खिन, मैं रह न सकूं रू बिन। राजी कहते हैं, मैं अपनी आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कहीं रह सकता नहीं। मैं तो आत्माओं के हृदय में रहता हूं, तुम्हारे हृदय में रहता हूं, तुम्हारे से मैं अलग थोड़ी हूं। और हम कहते हैं कि राजी आप तो पता नहीं कहां चले गए, हमें इस माया संसार में छोड़ दिए, हम परमधाम को नहीं देख पा रहे, हम आपको नहीं देख पा रहे, हम आपसे जुदा हो गए। राजी जवाब दे रहे हैं तारतम वाणी में, लेकिन हमने तारतम वाणी को गौर से नहीं देखा। राजी उसका भी जवाब दे रहे हैं, कहते रूहों तू आपे न्यारी होत है, तुम अपने आप अपने को मुझसे दूर मान रही हो। तुमने अपने को क्या समझ लिया? मैं शरीर हूं, मैं ये संसार हूं,
इस संसार का दुख और सुख, संसार का प्रभाव और अभाव मेरा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बहुत सुंदर हूं या सुंदरी हूं, मैं बहुत धनवान हूं या निर्धन हूं, काला हूं गोरा हूं, किसी भी प्रकार से संसार का प्रभाव और अभाव ये मेरा है, ये मैं हूं, यही तो सबसे बड़ी पर्दा है। कहते तुमने अपने आप को मेरी अर्धांगिनी नहीं समझा, तुमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा, तुमने अपने आप को क्या समझा, मनुष्य समझ लिया। यदि मैं एक बात कहूं कि आप जितने सुंदर साथ यहां बैठे हैं जो अपने को आत्मा स्वरूप समझते हैं, यदि मैं कहूं कि आप इंसान नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो और आप पुरुष नहीं हो, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन अध्यात्म यही कहता है कि आप शरीर नहीं हो, आपके मन के अच्छे बुरे विचार, अंतस्करण के पूर्व जन्मों के संस्कार आप नहीं हो। कईयों के मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, कईयों के मन में बुरे विचार भी आते हैं। मन अपने इंद्रियों के माध्यम से ही सब प्रकार के दुख सुख का अनुभव करता है और इंद्रियां तो मायाजन्य है, ये माया की ही कामना करती है। और इंद्रियों से माया की कामना करने वाला या करवाने वाला जो मन है वो आप नहीं हो, उसके अच्छे बुरे विचार आप नहीं हो। इसीलिए किरंतन की वाणी हमें कहती है पहले आप पहचानो रे साधु। साधु का मतलब क्या होता है? कोई धोती कुर्ता पहनने वाला या कोई विशेष प्रकार के वेशभूषा धारण करने वाला, घर छोड़ करके विरक्त बन करके चलने वाला ही साधु नहीं है। साधु मतलब सच्चा हृदय वाला, जिसके हृदय में छल कपट नहीं, जो सत्य का आचरण करता है, सत्य का अनुसरण करता है, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो साधक है तो साधु है। यदि वो अपने को एक आत्मा स्वरूप मानता है कि मैं परमात्मा के अभिन्न स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप हूं, ये भावना जो अपने हृदय में रखता है वो साधु है। पहले आप पहचानो, पहले तुम अपने आप की पहचान तो कर लो कि तुम हो कौन। उसके बाद में जब आपकी आइडेंटिटी हाथ में होगी तभी आपकी यात्रा शुरू होगी, बिना आइडेंटिटी की कोई यात्रा होती नहीं है। तो ये सोच लीजिए कि ये शरीर मनुष्य का है, स्त्री का है, पुरुष का है, किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, किसी स्थान विशेष का है, तो हम इस भौतिक संसार से हैं लेकिन हमारी आत्मा इन सब से परे है। हम राजजी के सामने बैठ करके अर्जी करते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। बगल में कौन बैठा होता है? श्रीमान। श्रीमान क्या बोल रहा होता है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। क्या आप स्त्री हो कि पुरुष हो? अब बोलो। यदि आप स्त्री हो तो पुरुष क्यों कह रहा है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन? यदि पुरुष ये शब्दों को बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, तो स्त्रियां क्यों कह रही है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन? अपने दुल्हे के पास में बैठ करके किसको दुल्हा कह रही है? आप शरीर नहीं हो, हम शरीर नहीं हैं। इस आत्मा ने इस शरीर को प्राप्त किया और बीच में यह अज्ञानता का ऐसा पर्दा आ गया जिसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, और इसमें इस संसार में इस प्रकार की परिस्थिति में परमात्मा को, एक परम सत्य को खोजने वाले तो बहुत हो गए, बहुत लोगों ने खोजा। सतयुग से बहुत सारे सत्यवादियों ने खोज डाला और उन सत्यवादियों की भी मन में यही इच्छा रही कि हे परब्रह्म, जब इस संसार में तुम अपना अखंड ज्ञान लेकर के प्रकट होगे तो कृपा करके हमें भी उस समय मानव तन देना, ताकि हम भी उस अखंड के ज्ञान को प्राप्त करके इस भव सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को भव सागर से
पार कराता है। अब आप बताओ, जिस दिन तक तारतम वाणी इस धर्म धरा पर प्रकट नहीं हुई थी, उस दिन तक दुनिया के इतिहास में किसी आत्मा ने क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अविनाशी उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया हो, किसी आध्यात्मिक ग्रंथों में या किसी आध्यात्मिक वक्ताओं के द्वारा इस संसार में कोई ऐसी वाणी सुनाई गई हो? सुना आपने? देवचंद्र जी ने बहुत खोज किया, 40 वर्षों तक खोज किया। जिस दिन से उनके हृदय में एक प्रश्न आया कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, मुझे किसने भेजा है, किस प्रयोजन से भेजा है और मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का प्रियतम कहाँ है, ये सवाल उनके हृदय में आया। और इस सवाल के समाधान के लिए, उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने 5 साल की उम्र से खोजना प्रारंभ किया। साकार में खोजा, निराकार में खोजा, 9 प्रकार की भक्ति में खोजा और खोजते खोजते मस्जिदों में भी पहुंचे, गुरुद्वारों में भी पहुंचे, सब जगह पहुंचे और भोजनगर में हरिदास जी के यहाँ आए और कितने वर्षों तक सेवा की उनकी, वस्त्र धोए, उनके घर के पोछे लगाए, परिक्रमा की बर्तन धोए और गुरु की सेवा की, उनके पांव दबाए, उनको नहलाए धुलाए खवाए पिवाए, सब कुछ करने के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरते हुए 40 वर्षों तक खोज की। उसके बाद उनकी अंतरात्मा की खोज समाप्त होने के बाद जैसे ही उनको राज जी ने आकर के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन दिए और ये कह दिया, तुम स्वर्ग से नहीं आई, तुम इस मृत्यु लोक के नहीं हो, तुम वैकुंठ से नहीं आए, तुम निराकार से नहीं आए, तुम मेरी अर्धांगिनी स्वरूपा हो, नाम तुम्हारा 22 सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, ब्रज और रास में तुमने आकर के ब्रज की सखियों के रूप में लीला की और मैं श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में आया और मैं आज यहां आया हूं और तुम यहां आई हो, लेकिन तुम देवचंद्र नहीं हो, नाम तुम्हारा 22 सुंदर, तुम सुंदरबाई हो, परमधाम की श्यामाजी स्वरूपा हो। यदि परमधाम की श्यामाजी देवचंद्र नहीं हो सकते, उनके शरीर का नाम देवचंद्र था लेकिन उनकी आत्मा का, उनका पहला प्रश्न था मैं कौन हूं, उसका उत्तर दिया नाम तुम्हारा 22 सुंदर। यदि देवचंद्र जी सुंदर बाई हैं तो ये बैठे हुए भाई भी कोई ना कोई बाई जरूर है कि नहीं? तो आप पुरुष नहीं हुए, आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से छत्रसाल जी के यहां श्री जी पहुंचे, उनकी आत्मा को कैसे परख लिया, शाकुंडल बाई। अब छत्रसाल जी शाकुंडल बाई हुए। इसी प्रकार से हमने माया के शरीरों को प्राप्त किया है, किसी ने स्त्री का शरीर प्राप्त किया, किसी ने पुरुष का शरीर प्राप्त किया, लेकिन शरीर इस संसार का है, इस संसार से परे, इस शरीर से परे जो हमारी आत्मा है वो 9 प्रकार की भक्ति से उस परब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, नहीं पाया जा सकता। 9 प्रकार की भक्ति तो तब से की जा रही थी, और स्वर्ग वैकुंठ और निराकार इस 14 लोक के ब्रह्मांड का ज्ञान भी संसार में पर्याप्त था, नहीं था? चारों वेद नहीं थे? मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। चारों वेद तब भी थे, 18 पुराण तब भी थे, 6 दर्शन और 11 उपनिषद तब भी थे, गीता महाभारत रामायण इत्यादि तब भी थे, परंतु राज जी तारतम वाणी क्यों लेकर के आए, किसके लिए लेकर के आए? न कहवाए माया माहे आबाणी, पण साथ माटे कहवाणी, इन सुंदर साथ के लिए कहा है। अब क्यों कहा? साथ आवसे हृदय आणी,
इस तारतम वाणी को जो सुंदर साथ अपने हृदय में धारण करेगा, बोलो सच्चिदानंद धाम धनी की, साथ आवश्य हृदय अणि, जो इस तारतम वाणी का प्रकाश अपने हृदय में धारण करेगा और इस तारतम वाणी के प्रकाश से धाम धनी को अपने हृदय में निवास कराएगा, तब जागनी शुरू होगी, अन्यथा जागनी शुरू होगी नहीं। श्यामा जी की जागनी कब शुरू हुई? जब उनके अंदर धाम धनी ने परम धाम का तारतम ज्ञान का बीज प्रकाश किया, बीज डाला और कह दिया ये ज्ञान आज तक दुनिया में तुम्हें था नहीं। एते दिन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपन, हे मेरे परम धाम की आत्माओं, आज दिन पर्यंत सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज दिन तक इस संसार में तारतम वाणी का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, परमधाम का ज्ञान इस संसार के अंदर नहीं था। एते दिन त्रैलोक में, तीन लोक मतलब पाताल लोक, मृत्यु लोक और वैकुंठ लोक, पूरे 14 लोक को, पूरे कालमय के ब्रह्मांड को तीनों लोक वाला कहा जाता है। एते दिन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपन, आज तक सपने की बुद्धि का ज्ञान था। कोई स्वर्ग की उपासना करते रहे, कोई वैकुंठ की उपासना करते रहे, कोई निराकार का उपासना करते रहे, लेकिन अब जो परमधाम का ज्ञान लेकर के यहां प्रकट हुए, वो कौन प्रकट हुए? सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नौतन, वो अखंड का परमधाम का ज्ञान लेकर के स्वयं सदगुरुदेव चंद्र जी इस संसार के अंदर प्रकट हुए, और जिसके द्वारा दुनिया में सर्वप्रथम पहली आत्मा श्यामा जी ने क्षर से परे अक्षर और अक्षरातीत परमधाम का रंग महल देखा, मूल मिलावे को देखा, मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप को देखा, युगल स्वरूप को घेर करके बैठी हुई 12,000 ब्रह्मात्माएं जो फरामोशी की अवस्था में देखा, उसके बाद उसको प्रत्यक्ष दिखाने के बाद श्यामा जी को धाम धनी ने आदेश किया कि ये श्यामा जी तुम उन परमधाम की आत्माओं को जो संसार में आकर के तुम्हारी तरह भूले हैं, उनको इस तारतम ज्ञान का प्रकाश देना, क्योंकि इस तारतम ज्ञान के प्रकाश के बिना कोई भी आत्मा न तो मुझे जान पाएगी और न उस परमधाम को जान पाएगी। यदि वो जानती होती तो तुम 40 साल तक जो खोजते रहे तुम भी जानते। ये तारतम वाणी इसलिए आपको कहती है, न कहवाए माया माहे आवाणी, दूसरी बार चौपाई बोल रहा हूं, और किसी के लिए नहीं, ये तारतम वाणी केवल सिर्फ और सिर्फ कही है तो इन ब्रह्मात्माओं के लिए कही है, क्योंकि इस तारतम वाणी के प्रकाश में आए बिना किसी को उस परम धाम का और धाम के धनी का और अपनी परातम का साक्षात्कार हो सकता नहीं। ऐसी अवस्था में, ऐसी अज्ञानता की अवस्था में इस संसार में यदि हम आए और हमें यहां से कोई परमधाम का मार्ग दिखाता है तो केवल हमारी एक तारतम वाणी है। इसलिए इस तारतम वाणी को हमारे समाज के परमहंसों ने सिरोधारी किया, अपने सिर पर रख करके हजारों किलोमीटर पैदल चल करके सुंदर साथ के घर घर पहुंचाई, क्योंकि सुंदर साथ जी तुम्हें यही तारतम वाणी ही तुम्हें परमधाम की राह दिखाती है। और ये तारतम वाणी का प्रकाश यदि तुम्हारे हृदय में जब तक नहीं होगा, तुम परमधाम को नहीं जान पाओगे, तुम अपने प्रियतम को नहीं जान पाओगे। जिस प्रकार से संसार अध्यात्म की राह पर चलते हुए संसार के नश्वर प्राणियों को, नश्वर पदार्थों को, नदी नालों को, भौतिक पदार्थों को ही एक परमात्मा का स्वरूप मान करके सिजदा कर रहा था, और तुम भी उसी परंपरा के अनुगामी बनोगे और तुम भी उस जड़ पदार्थ को ही परमात्मा समझ करके पूजन करते रहोगे, लेकिन तुम्हें अपने घर की सुध बताने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। इसीलिए सुंदर साथ को ये तारतम वाणी कही, न कहवाए माया माहे आवाणी, पण साथ माटे कहवाणी, साथ आवश्य हृदय आणी, जो हृदय में लाएगा वो। आप एक बार
बाहर की आंखों को बंद कीजिए और अंदर की आंखें खोल करके अच्छी तरीके से गहराई से शांत हृदय से चिंतन कीजिए कि उस परमधाम तक पहुंचने का एकमात्र सूत्र कब किसने शुरू किया और सबसे पहले किसने प्राप्त किया और कैसे किया, क्योंकि हम जिसके पीछे चलना चाहते हैं वो वहां पहुंचा हुआ होना चाहिए कि नहीं चाहिए। सदगुरुदेव चंद्र जी ने उनको देखा, हम उनके अनुगामी हैं। उसके बाद महामती जी के हृदय से ये तारतम वाणी प्रकट हुई। उनके पीछे चलते हुए हमारे परमहंसों ने लालदास जी महाराज, छत्रसाल जी महाराज और उनके साथ जो 5000 की जमात थी उसमें जो अग्रणी ब्रह्मात्माओं का समूह था, उन्होंने किस प्रकार से उस परमधाम को देखा, अपने धनी का प्रियतम का साक्षात्कार किया और उनकी जागनी हुई। जागनी उसको कहते हैं, जागनी का तात्पर्य होता है कि हमारी अंतरात्मा की दृष्टि खुल जाए और हम अपने आप को जान जाएं, पहचान जाएं कि मैं कौन हूं। इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे मनुष्य प्रकट हो रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जागनी के संदर्भ में उसको समझने के लिए मैं एक उपनिषद की एक ऋषि का एक दृष्टांत देता हूं। याज्ञवल्क नाम के एक ऋषि हुए, उनके अंदर दौलत की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, अकुत संपदा उन्होंने प्राप्त की थी क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वानों में आते थे। उनकी दो पत्नियां थी, मैत्री और कल्याणी। उन्होंने जीवन पर्यंत बहुत लोगों को वेद वेदांत दर्शन इत्यादि की शिक्षा बहुत अपने शिष्यों को प्रदान की, उसका अभ्यास कराया, खुद भी अभ्यास किए, ज्ञान में इतने पारंगत हो गए कि उनके सामने शास्त्रार्थ में कोई दम नहीं मार सकता था। बहुत जगह से शास्त्रार्थ करके धन संपत्ति उनको असरफियां बहुत मिलती थी। इतनी बड़ी गौशाला के अंदर स्वर्ण मुद्राओं से सजी हुई गायों से भरी हुई गौशाला होती थी और दोनों पत्नियां मधुर वचन और व्यवहार से उनकी सेवा करती थी। सभी शिष्यगण उनकी सेवा सम्मान और सत्कार करते थे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनको धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर के कहीं जाना नहीं था, इसकी शिक्षा तो खुद दिया करते थे। भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उनके अंदर इतनी संपत्ति थी। उनके पास बहुत ब्रह्मचारियों को, बहुत साधु संतों की सेवा किया करते थे, दान दिया करते थे, खुद ज्ञान की खुद खानी रहे। अंतिम समय में एक दिन दोनों पत्नियों को बुला करके कहते हैं, तुम मेरे पास बैठो और मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, गौशाला में गायें हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, वस्त्र आभूषण इत्यादि हैं, ये सब कुछ तुम दोनों के नाम कर देना चाहता हूं, बराबर विभाजित कर देना चाहता हूं। मैत्रेयी कहती है, आचार्य पतिदेव, आपको इस दुनिया में किस चीज की कमी है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दुर्लभ है? ज्ञान के क्षेत्र में आपके सामने बराबरी कोई करने की हिम्मत नहीं रखता, असरफियां आपके पास कम नहीं है। हम दोनों पत्नियां आपकी वेद वेदांत के ज्ञान से पारंगत मधुर शील स्वभाव से आपकी सेवा करने में कोई कमी नहीं करती,
आपकी सेवा करने वाले शिष्यों की कमी नहीं है। शास्त्रार्थ में सबको पराजित करके वहां से आने वाले असरफियों की आपके पास कमी नहीं है। इन सब के होते हुए और इससे अतिरिक्त तो दूसरी कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए हमें बांट करके आप इससे अलग होना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं, मैत्री, तुमने जो कहा शत प्रतिशत सही है। इससे बढ़कर के लौकिक जगत में और दूसरी लौकिक पदार्थ कोई भी नहीं है। लेकिन जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आज तक मैंने वेद वेदांतों का अभ्यास किया, कराया, प्रवचन किया, अब उसको मेरे जिंदगी में अंतिम समय में उस चीज से मिलने का समय आ गया मेरा, इसलिए जिन पदार्थों को मैंने प्राप्त किया है अब इस घड़ी में आकर के मेरे नजरों के सामने बहुत मोटे मोटे अक्षरों में एक शब्द नजर आता है, धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने। मैत्री, तुमने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर सुनो। जो मेरे पास धन है, असरफियां हैं, वो इस भूमि के भूमि में धरी की धरी रह जाएगी। अब इस बुढ़ापे में ये धन मेरे काम के नहीं है। जो बाड़े में पशुधन है अब यहां से आगे ये भी मेरे काम आने वाले नहीं, क्योंकि अब मुझे एक गिलास पूरा दूध पचता नहीं और दो रोटी पूरी पचती नहीं। अब ये सगे संबंधी इष्ट मित्र जहां तक मैंने संबंध निभाना था, मैंने अपने कर्तव्यों का पालन करके मैं अपनी लौकिक जिम्मेदारियों से अलग हो चुका हूं। इसीलिए अब यहां से आगे मैं दुनिया की किसी भी पदार्थ को साथ में लेकर के नहीं जा सकता हूं। धन भूमि पर रह जाएगा, पशुवाड़ों पर रह जाएंगे। धनानी भूमौ पशुश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे, तुम दोनों दरवाजे से आगे नहीं जा सकते मेरे, और ये इष्ट मित्र मेरे शमशान घाट से आगे नहीं जा सकते। अब यहां से हमें प्रत्येक व्यक्ति को अकेले ही रास्ता सफर करना होता है। न तो तुम मुझे साथ में ले जा सकोगी और न मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूं। इसलिए इन पदार्थों के पीछे कल मेरी गति ऐसी न बन जाए कहीं इसके तरफ कि मेरी इतनी संपत्ति थी, मेरा इतना बड़ा घर द्वार था, इतनी बड़ी प्रसिद्धि थी, मेरा इतना सुंदर परिवार था, इतने रिश्तेदार थे। इस चीज को जब तक मेरी नजर में ये चीजें रहेगी तब तक जिस सत्य को पाने का आज तक मैंने अभ्यास किया वो पर्दे के पीछे बहुत धुंधला दिखता है। इन सब चीज का परित्याग करके उस पर्दे से मैं उस पार चला जाऊं तो इस पार के सारे पदार्थ मुझे नजर नहीं आएंगे, धुंधले दिखने लगेंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य मुझे प्रत्यक्ष रूप से सामने नजर आने लगेगा। इसीलिए यहां से कोई भी जाता है अकेले ही जाता है। यदि तुम भी यहां से आगे चलो तो तुम्हें भी अकेले जाना पड़ेगा, और मैं भी जाऊं तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा, इसलिए मेरा वो समय आ गया है। यदि हम और तुम साथ में भी चले जाएंगे उस पार पहुंचने के बाद ये भावना नहीं रहेगी कि हम साथ आए थे। उस समय आत्माओं की कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे नदी नाले जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं, गंगा में मिलने के बाद वो नदी नाले नहीं रहते, वो गंगा बन जाती है। गंगा जाकर के समुद्र में मिलने पर वो समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार से वहां कोई रिश्तेदार नहीं रह जाता, संसार का अभाव और प्रभाव समाप्त हो जाता है। वहां केवल एक आत्मा स्वरूप होती है और एक परमात्मा स्वरूप होता है। दोनों उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो दोनों दीपक को मिला करके आपने एक दीपक बना दिया। उसी तरीके से सबकी आत्मा एक स्वरूप बन जाती है और परमात्मा भी एक स्वरूप बन जाता है। और तारतम वाणी यही सिखाती है, तारतम वाणी का दाता ही हमारा सदगुरु है। सदगुरु मेरे श्याम जी,
मैं अहनिश चरणे रहूं। इस तारतम वाणी का दाता कौन है? साक्षात धाम के धनी ही इस तारतम वाणी को महामती के हृदय से हमें दे रहे हैं, और वही हमारा सदगुरु है। उन्हीं की कृपा से ही हमारे परमहंसों की महिमा है, हमारे पीठों की महिमा है, हमारे मठों की महिमा है, सुंदर सात ब्रह्मात्माओं की महिमा है, और धनी की महिमा है, और हमारी महिमा है। ये तारतम वाणी एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक सुंदर सात को वहां तक पहुंचाती है। जो मैंने आपको एक किस्सा सुनाया, ये तो एक ऋषि यज्ञवल की कहानी थी, लेकिन आप और हमारे बीच में तो परमधाम की ब्रह्मवाणी प्रकट हुई है। और ये ब्रह्मवाणी कहती है, मैं रह न सकूं रूह बिना, इस संसार के अंदर भी तुम्हारे धाम हृदय से मैं एक पल के लिए अलग नहीं हो सकता। विश्वास न हो तो सागर ग्रंथ उठा लीजिए, आठवां प्रकरण उठाइए और दूसरी चौपाई को देखिए। सागर ग्रंथ के आठवां प्रकरण की दूसरी चौपाई क्या कहती है? अर्श कहा दिल मोमिन, अर्श में सब विषाद। सभी ब्रह्मात्माओं का हृदय मेरा अर्श है, मैं तुम्हारे धाम हृदय में निवास करता हूं, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो। तुमने अपने को शरीर समझा है, यह संसार समझा है। तुम इस शरीर और संसार से परे हो जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ। तुम अपने स्वरूप को देखो कि मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ, और तुम्हारी आत्मा के हृदय में तो मैं स्वयं विराजमान होता हूँ। इसी के लिए धाम धनी ने कहा, बाले से बुढ़ापे लग। महामती जी कहती है कि जिस दिन से हम इस संसार में आए, तब से लेकर के जब तक हम अपनी परात्म के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक राजी आत्माओं के साथ हैं। ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिने कलूब। ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही मेरा धाम है। मैं संसार में आकर किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी दीवालों में नहीं रहता हूँ। मठ मंदिर हमारे आस्था के केंद्र जरूर हैं, वहाँ सामूहिक रूप से हम बैठ करके ब्रह्मवाणी का अध्ययन करते हैं और राज्य को रिझाने का कार्य करते हैं, लेकिन हृदय मंदिर तो आपका हृदय है जहाँ परब्रह्म निवास करते हैं। हफ्से की जेल में जब राजी आए तो कहाँ बैठे? सबसे पहले महामती जी के हृदय में बैठे, तब माहे आसन कर बैठे महामती हृदय अपंग। महामती जी का जो टूटा हुआ हृदय है, टूटा किससे? संसार के अभाव और प्रभाव से, संसार की वास्तविकता से। यहाँ कोई किसी से प्रेम करता है तो किसी स्वार्थ बस प्रेम करता है। यदि किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होता, यदि बेटा भी माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो अखबार में लिख दिया जाता है कि इस ये हमारी जिम्मेदारी से परे की चीज़ है, हम इस कर अच्छा बुरा कार्य करें इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन धाम धनी महामती के हृदय में बैठ करके सुंदर साथ से कहते हैं, जो कदी पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, तुमने 400 वर्षों से मुझे भुला दिया, कोई बात नहीं। तुम ब्रज में आए थे द्वापर युग में, तब से आज तक भुला दिया, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं, और शाम को कभी लौट करके तुम मेरी तरफ देखो तो भी मेरे सच्चे यार, तब भी तुमसे मेरा संबंध कभी खराब नहीं होगा, संबंध कभी टूटेगा नहीं। लेकिन ब्रह्मवाणी इस संसार में आई और धामधनी हमें पुकार लगा रहे हैं इतने दिनों तक, लेकिन हमने ब्रह्मवाणी को खोल करके कितना देखा? यदि हम ब्रह्मवाणी को खोल करके नहीं देखेंगे तो हमें राज्य नजर नहीं आएंगे। क्या तारतम वाणी के अवतरण होने से पहले किसी ने परमधाम को देखा? किसी भी एक भी ब्रह्मात्माओं ने परमधाम को देखा? संसार में अध्यात्म के बड़े ऊंचे श्रेष्ठ स्थानों की कोई कमी नहीं थी। अवंतिकापुरी भी तब थी, गोकुलपुरी भी तब थी, और अनेक पुरियां तब थी। भले हमारी नौतनपुरी की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि सदगुरु प्रकट हुए ही नहीं थे।
मंगलपुरी पद्मावतीपुरी की स्थापना हुई नहीं थी, तब भी दुनिया में बहुत सारी पुरियां थी। उन पुरियों में स्वर्ग उपासना, स्वर्ग और वैकुंठ या निराकार की उपासना की जाती रही है। लेकिन आपकी तारतम वाणी जिस समय इस संसार में प्रकट हुई है, उसके बाद परमधाम की आत्माओं ने जो परमधाम को देखा, अपने प्रियतम की पहचान की, तो अपने हृदय मंदिर में किसको बुलाया जाने लगा? आओ जी बाला मारे घेर, तुम मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ। हम अकेले इस संसार में विचरण कर रहे हैं। धाम धनी की इतनी प्रेम भरी आवाज को सुन करके हमारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न क्यों नहीं होती? क्योंकि इस आवाज को हमने न पढ़ा और न सुना। और जब तक इसके प्रकाश में नहीं जाएंगे, हमारे ऋषि यही कहते हैं, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, जब तक आपके पास तत्व ज्ञान नहीं है तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। वेद यही कहते हैं, ना अन्या पंथा विद्यते अनाया, ब्रह्म को जाने बिना, ब्रह्मवाणी को पढ़े बिना, सुने बिना, उसको आत्मसात करे बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो आपको परमधाम पहुंचा सके, ब्रह्म का साक्षात्कार करा सके। और धाम धनी की तारतम वाणी भी कहती है, तीसरी बार वो चौपाई दोहरा रहा हूं, न कहवाए माया माहे आवाणी, पण साथ माटे कहवाणी, साथ आव से हृदय आणी। जिसके हृदय में ये तारतम वाणी प्रविष्ट करेगी, ये तारतम श्रवणे जेहणे झरे, इस तारतम वाणी के शब्द जिनके कान के द्वार से जिसके हृदय में प्रवेश करेंगे, तेणे सू करे जहर, माया का जहर उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जिस प्रकार सूरज और अंधेरे में बैर है, उसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश में और अज्ञानता के अंधेरे में उतना ही बैर है। आपके हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश प्रवेश करते ही अज्ञानता दूर भाग जाएगा। जब अज्ञानता निवास करेगा तो आप तारतम वाणी से दूर रहोगे। तो तारतम वाणी से हमारी महिमा है, हमारे परमहंसों की महिमा है, और ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है, और अपने धनी की पहचान है। यदि कोई परमधाम को देखना जानना चाहता है और अपनी आत्मा को अपनी परातम में पहुंचाना चाहता है, तो तारतम वाणी डिंडिम घोष के साथ ये उद्घोष करती है कि तुम्हें तारतम वाणी के प्रकाश में आना होगा। क्योंकि ये तारतम वाणी क्या है? अक्षरातीत के हृदय का प्रकाश है। इस प्रकाश में आए बिना हमें दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि हम धाम धनी के चरणों तक पहुंच सकें, और ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि इस तारतम वाणी के बिना किसी ने अपने धनी को प्राप्त किया हो। इसीलिए प्रत्येक सुंदर साथ को ये संकल्प लेना चाहिए कि ये ब्रह्मवाणी धाम धनी ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है कि तुम उस माया के संसार में गए हो, तुम्हें वहां मेरी पहचान कराने वाला दूसरा कोई है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें प्रेम का संदेश भेज रहा हूं। और श्यामा जी को कह दिया, जाए बुलाए ले आओ रू अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक। जो परमधाम में प्रेम का संवाद करने वाली आत्माएं थी वो संसार में आई हुई है। और जिस प्रकार से देवचंद्र जी तुम श्यामा जी के रूप में इस संसार में हो, उसी प्रकार से 12,000 आत्माएं इस संसार में और भी आई हैं। उनको मेरा संदेश कह देना कि तुमने परमधाम में अपने धनी से, अपने प्रियतम से प्रेम का संवाद किया था। ये मेरा संदेश उन ब्रह्मात्माओं को कह देना। कितना प्यारा संदेश है। ये संदेश लेकर के आपके घर राज्य आए हैं। इसके उपरांत भी यदि हम तारतम ज्ञान के प्रकाश में नहीं आएंगे, तो दोपहर की तपती सूरज के सामने खड़े होकर के पसीना चुआते हुए यदि हम कहें कि मुझे तो अंधेरा हो रहा है, दोनों आंख बंद करके रहेंगे, ऐसी स्थिति कुछ हमारी होने वाली है कि तारतम ज्ञान का प्रकाश इस संसार में होते हुए भी। सत्यवादियों ने इस दिन की प्रतीक्षा की और महामती जी ने उनको आह्वान किया, चे तो सबे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखवाण,
धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परमा चेतो सवे सतवादी हूँ। ए सतवादी हूँ दधीची मोरध्वज सगल हरिश्चंद्र, ऐसे अनेकों सत्यवादी हुए। सत्यवादी नाम केते लेऊं कई हुए तरण तारण, सत न छोड़े बहु कष्ट सहे सो भी या दिन के कारण। इस दिन के लिए तुम भी उपस्थित हो जाओ और तारतम वाणी के प्रकाश में उस परब्रह्म को अपने धाम हृदय में बसा करके संसार से भव सागर से पार होकर के अपनी आत्मा को अपने जीव को जागृत कर सकते हो। ये संदेश महामती जी का है। तो ये संदेश सभी सुंदर साथ के लिए है। इस संदेश को आप अपने हृदय में आत्मसात कीजिए। मेरा समय पूरा होता है, आगे जो भी प्रोग्राम होंगे आप श्रवण कीजिए। आपने बहुत धैर्यपूर्वक शांति के साथ योगदान दिया, शांति का एक माहौल दिया, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। सब सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।